नमस्ते दोस्तों। दोस्तों पूरे देश में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया है जिसकी वजह से हमारी देसी गौ माता हजारों की संख्या में रोज अपने प्राण त्याग रही। मैं बात कर रहा हूँ लिम्पी स्किन डिजीज की, एक ऐसी भयानक बीमारी जो महामारी का रूप ले रही है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों किसान आज इस बीमारी से बड़े परेशान। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ किसान साथियों ने इस बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज खोज कर लिया है, जिसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से हमारी देसी गौ माता रोज अपने प्राण त्याग रही है। हजारों की संख्या में रोज गाय मर रही है। गौशालाओं का, डेयरियों का, पशुपालकों के घरों का बड़ा बुरा हाल है और किसान इतना चिंतित है कि उसे लगता है कि अब उसका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इस बीमारी का इलाज हमने कैसे किया, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो गाय दिखाऊंगा जिस गाय के अंदर ये बीमारी थी, उसके बाद उस किसान से मिलवाऊंगा जिसने इसका इलाज किया। तो श्रीमान आप आगे आइए, सभी दर्शकों को, सभी किसान साथियों को आप अपना एड्रेस दीजिए और पूरी बात बताइए कि आपकी गाय में क्या रोग था और आपने उसका कैसे इलाज किया। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप कुमार, गांव नेरपुर, तहसील नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का निवासी हूं। मेरी गाय है को लिम्पी डिजीज हो गई थी, जो कम से कम इसको 8 दिन हो गए हैं और ये पूरे अपने आप थान में पसर गई थी। ना ये खड़ी हो पा रही थी, ना चर पा रही थी और इसके शरीर पर छाले हो गए थे। और फिर मैंने इसको 5 दिन से आयुर्वेदिक दवाई देने के बाद अब ये पूरी तरह से चर भी रही है, अपने आप खड़ी भी हो जाती है, पानी पी रही है और सब कुछ अच्छी तरह इसको कर रही है। मतलब बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल पूर्णतः ठीक हो गई। दोस्तों श्रीमान थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। ये जो मेरे पीछे आप गाय देख रहे हैं, 8 दिन पहले ये थान में, यानी कि इसके घर में खुट्टे पे ये पसर गई थी। इसने उठना बैठना छोड़ दिया था, चरना फिरना छोड़ दिया था, ऐसा ही था ना? हाँ बिल्कुल। पूरे लक्षण बताइए, पूरे लक्षण बताइए। अभी देखो इसके पैरों में सूजन है। क्या क्या लक्षण नजर आए थे आपको? पैरों में सूजन आ जाएगा, ठीक है, शरीर पे दाने दाने छाले हो जाएंगे, ठीक है, पूरे शरीर पे, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर पूरे शरीर पे दाने दाने हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, ठीक है, और इसकी जुगाली बंद हो जाएगी, ना ये चरेगी और बुखार रहेगा, सिर में बुखार चढ़ेगा और गाय सिर को दे ऐसे घुमा के मारेगी, दे दे के मारती रहेगी। फिर आपने इसका इलाज कैसे किया? विक्की पंसारी जी को मैंने कॉल किया, अपनी गाय की फोटो भेज के उनसे सलाह मशवरा किया। जब उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप सनाई पत्ती, आंवला, कालाजीरी और हल्दी इन सभी को 150-150 ग्राम लेकर और 50-50 ग्राम की पुड़िया बनाकर अपनी गाय को दीजिए। आज आपकी गाय की कंडीशन क्या है? आज मेरी गाय की कंडीशन सबसे अच्छी है। तो हिंदुस्तान के लाखों किसान आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आप भी ये आयुर्वेदिक पत्ती का इस्तेमाल करें दोस्तों, अपनी गायों की जान की रक्षा करें। दोस्तों ये बहुत ही भयानक बीमारी है, लेकिन कुदरत जिस भी बीमारी को हमारे पास भेजती है उसका इलाज भी भेजती है। मैं पिछले 2 महीने से इस बीमारी का इलाज खोजने में लगा था, मैंने सैकड़ों गायों को ये जड़ी बूटियां देखी और इसका रिजल्ट बहुत ही सराहनीय आया। तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताना चाहता हूँ। आप 4 औषधियां नोट कीजिए। सबसे पहली औषधि तो है सनाए पत्ती, दूसरी आंवला, तीसरी कालाजीरी, चौथी हल्दी। ये 4 औषधियां आपको बाजार से लेके आनी है 200-200 ग्राम की मात्रा में और इन सबको ग्राइंड करके आप 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को, अच्छे से सुन लिया ना आपने, 4 औषधियों को कूट के ग्राइंड करके आप मिला के रख लीजिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को गुड़ के अंदर मिला के खिलाना है। कंटिन्यू 8 दिन आपको ऐसा करना है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और 8 दिन के बाद आप देखेंगे इस गाय को, अब हमने औषधियाँ खिलाते हुए 5 दिन हो गए, 5 दिन में गाय आज बिल्कुल संपूर्ण रूप से ठीक है, खड़ी भी अपने पैरों पर हो गई है। गाय बैठ गई थी, उठना छोड़ दिया था, चरना भी छोड़ दिया था, जुगाली करनी भी छोड़ दी थी और इसके पूरे शरीर पे दापड़ हो गए थे, बुरी तरह से गाय परेशान थी। लेकिन 5 दिन में 80% तक आराम है और 7 दिन में पूरा आराम होने की उम्मीद है। और ये औषधि आपकी कोई भी गाय हो किसी को भी खिला सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि हल्दी, आंवला,
कुदरत का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ एक रसायन है जो पीतनाशक है। ये बीमारी पीत की है, पीतनाशक औषधियाँ आप इस बीमारी में यूज कीजिए। तो हल्दी आंवला आप अपनी सभी गायों को खिलाइए। जिस भी गाय में ये बीमारी आई है उसमें काला जीरी और सनाए पत्ती मिला के खिलानी है, जिसमें नहीं आई है उसमें हल्दी और आंवला खिलाइए, ये बीमारी आपके फार्म पर आएगी नहीं। दूसरी सावधानी आपको क्या करनी है, आपके आसपास एक पेड़ मिलता है नीम का पेड़, महा औषधि नीम, नीम के पत्ते आप जला के अपने जितना भी आपका फार्म है उस फार्म में उसकी दुआ दीजिए, ताकि आसपास के जितने भी वायरस हैं, मच्छर हैं, वो सभी खत्म हो जाएं। तो ये दो छोटी छोटी सावधानियां आप लोग अगर उपयोग में लेके आते हैं तो ये महा खतरनाक महाभयानक बीमारी आपकी गायों में आएगी ही नहीं। और आप लोगों से एक बार फिर अरदास है, आप लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि सभी किसान भाई चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी ना किसी गरीब किसान की गाय को मरने से बचाएगा। और गौ माता हमारे धर्म में हमारी माँ के सम्मान है, एक भी गौ को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस फार्मूले को बना के मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन रुपए की जरूरत नहीं आज, आज जरूरत है इन गौ माता को बचाने की। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप अपनी गाय की कोई भी चिकित्सा करें, इस बीमारी की कोई भी चिकित्सा करें, एलोपैथिक कीजिए, होम्योपैथिक कीजिए, लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथिक के साथ भी आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करना ना भूलिए, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ आपके पशु को कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेंगी। और 100% रिजल्ट मात्र 8 दिन के अंदर आपको 100% रिजल्ट इन औषधियों का मिलेगा। आपकी गाय खाना भी खाएगी, आपकी गाय के शरीर से खाज खुजली भी खत्म होगी, उसके पैरों का सूजन भी खत्म होगा और वो अच्छे से चलेगी फिरेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।